गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं जा रहा हूँ गैस एजेंसी, तो ये एजेंसी है राधा गैस एजेंसी। तो हमारे यहाँ पहले था सुरुचि गैस एजेंसी, तो यहाँ हो गया था घोटाला, तो जो है एजेंसी हो गई बंद। और हमारे गांव के सभी लोग अब जो है अपने ये कार्ड को अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि अपडेट भी किया जा रहा है, तो मैं तो वेटिंग कर रहा था कि गैस आएगा तो भरवा लूंगा, पर ऐसा नहीं है। तो आज ही हमारे देश में जो है घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा हमारी जो सरकार है इसमें जो है काफ़ी एक्शन ले रही है, तो जो है एकदम से पकड़े भी जा रहे हैं। तो हम आम लोगों को इससे थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, पर ठीक है कि यार चलो टाइम लगेगा, काम तो हो रहा है और टाइम भी लगेगा। तो ये है कि हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो आज बहुत सारे काम है। तो ये है राधा इंडियन गैस एजेंसी। तो यहाँ हो चुकी इतनी ज़्यादा भीड़ देखो, तो एजेंसी एक है और इतने सारे गाँव बिंदु खत्ता में कि लोगों को यहाँ की गैस भरनी पड़ रही है। तो ये है अपना सिलेंडर और हम भी लगे हैं लाइन में, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पर खड़े खड़े। तो बहुत देरी बाद हमारा जो है सिलेंडर भर चुका है और यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी जो है ना गांव की तरफ को आ ही नहीं पाती, यहीं खाली हो जा रही है। तो यहाँ पर इतने सिलेंडर लगे हैं कि लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं कि उनका सिलेंडर कौन सा है, फिर ढूंढने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर खाली दिए जा रहे हैं और वहाँ से भरे हुए लिए जा रहे हैं, गाड़ी हो गई खाली। तो हमें 5 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा कार लगे गैस भरवाने के लिए। तो इतनी असुविधा हो रही हमारे गांव में इस वक्त, क्योंकि गाड़ी एक है और पूरा इतना बड़ा गाँव है, तो हर दिन तो गाड़ी नहीं आती, हफ्ते में आती है, वो भी गांव बहुत ज़्यादा हो गए नहीं आ पा रही है। तो यह है अपनी नई गैस एजेंसी। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है और अपने गैस कस्टमर कार्ड में मोहर भी लगवा ली है। तो 1 घंटे में जो अपना सारा काम हो चुका है गाइस, तो अब चलते हैं बैंक। तो गाइस ये काम तो हो चुका, बहुत टेंशन था कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं लालूका, तो भारतीय स्टेट बैंक में भी काम है। तो हमारे भाई का जो है एटीएम कार्ड का जो वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो इन्हें मालूम ही नहीं लगा कि एटीएम वैलिडिटी भी खत्म हो गई करके। इतने एटीएम कार्ड में वैसे जो चेंज होता है ना एटीएम कार्ड, तो वैलिडिटी खत्म होने के बाद तो 5-10 मिनट मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होगी आज, तो आज सोमवार है इसलिए। तो देखते हैं यार अभी क्या होता है, तो हमें कितना टाइम लगता है एटीएम कार्ड चेंज करने में, तो आपको बताएंगे, जिससे आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हेल्प जरूर मिलेगी। तो पूरे 10 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा लालकुआ बॉल गेट से, और अब हम आगे लालकुआ पे। तो ये है हमारा लालकुआ, भारतीय स्टेट बैंक में हम जा रहे हैं। तो बैंक में जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि एटीएम कार्ड की जो वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि एटीएम कार्ड जो आपका आपके एड्रेस पर आ जाता है, तो बैंक वाले खुद ही इसको जो भेज देते हैं आपके एड्रेस पर, लेकिन हमारा एटीएम जो है घर पर पहुंचा नहीं। तो अब हम जा रहे हैं जो है पोस्ट ऑफिस से पता करने कि हमारा एटीएम क्यों नहीं पहुँचा। तो डाकघर में आने के बाद भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, तो हमारा जो एटीएम कार्ड खो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। पता नहीं अब पोस्टमैन से पता करके ही मालूम होगा आपको, यहाँ तो मालूम नहीं होगा कहाँ है करके। तो गाइज हम आ गए हेयर कटिंग करवाने के लिए। तो मेरे बाल तो सही हैं, भाई की थोड़ा बड़े हैं तो ये कटवा रहे हैं, तो बाल वाल कटवा के निकलते हैं फटाफट। तो सारे काम करने के बाद अब हम ले लेते हैं चिकन। तो ये हमारे गांव की चिकन शॉप है, तो 1 kg ले लेते हैं, तो कभी कभी नॉनवेज भी खा लेते हैं हम लोग। तो ये है अपना नया डॉग, तो ये आया है हमारे मुंशियारी से, तो धारचूला मुंशियारी से। तो ये नस्ल ही अलग है, आजकल सर्दी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मियों में जो है इसकी वाट लग जाएगी। कैसे रहेगा तू इधर बता हैं, ओए चल बाय बाय। तो गाइस घर आने के बाद मैंने अपने सारे जूते धो डाले, तो एक जोड़ी रह गए हैं, तो इसमें जो है पॉलिश की जानी है, तो इसको तो मैं बाद में करूँगा, तो टाइम की कमी है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, और ड्यूटी जाने से पहले मैं लेता हूँ ग्रीन टी, तो ये ग्रीन टी है, और साथ में लेता हूँ तो मैं साथ में अर्जुन छाल भी लेता हूँ, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था इसलिए मैं इस चीज़ें यूज कर रहा हूँ। तो आयुर्वेदिक चीज़ें लेने के साथ साथ मैं जो है प्रोटीन भी ले रहा हूँ, तो ये है पी प्रोटीन, और बहुत सारे सप्लीमेंट मैं यूज कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो बॉर्न बीटा और मल्टी विटामिन बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, तो वो तो मैं जो अपने फिटनेस लेवल में ही बताऊँगा किस लिए लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है। तो बाकी मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं इन सप्लीमेंट में कितना खर्चा करता हूँ, तो मेरा जो डाइट का जो सप्लीमेंट का खर्चा है सिर्फ ओनली फॉर सप्लीमेंट, तो ये जो खर्चा आता है वो आता है आपका करीबन 200 से 250 का मेरा जो है पर डे का खर्चा है सिर्फ सप्लीमेंट में, और मिनिमम जो होता है 100 का तो आता ही है, लेकिन जो है अपर जो हाइस्ट रहता है सप्लीमेंट का तो वो रहता है 200 तक का। और बहुत जल्द मैं जो है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, 15 फरवरी से मैं जो है जिम चालू कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीना हो चुका है जिम छोड़े हुए। तो 2 बजने वाले हैं, मैं निकलता हूँ ड्यूटी, तो चलते हैं गाइस जब ड्यूटी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, होगी पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।